हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जो अपने सीआरटी टीवी है उसका वर्टिकल आईसी बार बार ख़राब होता है, तो उसके बारे में वीडियो है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा बोल्ट के कारण ये वर्टिकल आईसी ख़राब होता है। तो हम लोगों का ये पावर सप्लाई से, यहाँ देख सकते हो ये एक डायोड लगा है और ये कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। ये फिल्टर कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा और ओरिजिनल लोकल लगा फिर भी ये वर्टिकल आईसी ख़राब होता है। इसका कारण है ये फिल्टर और बोल्ट सही नहीं होना। और ये इधर देख सकते हो, इसके साइड से और छोटा छोटा दो कैपेसिटर रहता है, वो भी ख़राब होने से होता है। वर्टिकल आईसी बार बार ख़राब होता है। तो वर्टिकल आईसी बार बार ख़राब होने से आप लोग ये डायोड जो मेन वर्टिकल का लाइन रहता है, कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा और डायोड को भी चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन के कारण भी ये वर्टिकल आईसी ख़राब होता है। तो आप लोगों को पता करना पड़ेगा क्या ख़राब है। तो मेरा बार बार उड़ा था वर्टिकल आईसी, तो इसको मैं चेंज कर दिया हूँ। तो गाइस, कोई कोई किट में एसटी से वर्टिकल का वोल्ट आता है, तो उसके कारण से एसटी को चेंज करना पड़ता है। अगर वर्टिकल आईसी ख़राब हो रहा है तो बार बार एसटी से वोल्ट आता है, तो ज़्यादा वोल्ट आने के कारण से भी ख़राब हो जाता है। तो ये किट में एसएमपीएस से ही वर्टिकल आईसी कंट्रोल होता है। ठीक है गाइस, तो इसको चेंज करें। तो हम लोगों का वर्टिकल का प्रॉब्लम होने से बोल्ट में दिक्कत होगा और डायोड भी चेक करना पड़ेगा, ख़राब होगा। अगर ख़राब होता है तो फ्लक्चुएशन होगा, उसके कारण से भी ये ज़्यादा हीट होगा वर्टिकल आईसी ये वाला, तो इस कारण से बार बार ख़राब होता है फ्लक्चुएशन के कारण। और मेन फिल्टर 110 वोल्ट का, वो देखना नहीं पड़ेगा, उसके कारण से नहीं होता है। आप लोग मॉड्यूल लगाओगे तो ये मॉड्यूल के कारण भी हो सकता है, अगर ज़्यादा वोल्ट दे रहा है, 110 वोल्ट के 110 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण से भी वर्टिकल आईसी ख़राब होता है। तो आगे दिखा देता हूँ मैं, लाइनिंग आ रहा है खाली। देख सकते हो, ठीक है, मैं इसको फिट करके मैं बताऊँगा। तो मैं इसको लगा दूंगा, उसके बाद आगे बताता हूँ, बोर्ड दिखा देता हूँ। गैस तो मैं लगा दिया हूँ वर्टिकल आईसी। आप मेन कारण ये होता है, ये डायोड लगा रहता है, डायोड ख़राब होने से होता है, और जो वर्टिकल बोल्ट रहता है उसका फिल्टर चेंज कर देना पड़ता है, इससे क्या होता है फिक्स हो जाता है। तो मैं बोल्ट दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 12 वोल्ट है और ये मैं पूरा चेंज कर दिया हूँ, अब ये ख़राब नहीं होगा और हीट भी कम होगा। मॉड्यूल लगाया हो तो वोल्टेज एकदम फिक्स रखना है, ज़्यादा वोल्ट होगा तो क्या होगा, वर्टिकल आईसी ज़्यादा गर्म होगा, उसके कारण से भी ये ख़राब हो सकता है। तो हम लोगों को मॉड्यूल यूज़ करने से मेन चीज़ ये रहता है, अगर ज़्यादा वोल्ट होगा तो ये वर्टिकल आईसी ख़राब हो जाता है, और फ्लक्चुएशन के कारण भी होता है, ये डायोड को चेंज कर देना पड़ेगा। अगर बार बार उड़ रहा है तो डायोड को फेंकना पड़ेगा और ये मेन फिल्टर को भी फेंकना पड़ेगा। तो मैं आगे दिखा देता हूँ, जैसे तो ये बन गया है, ये फ्लिकरिंग हो रहा है, ये टीवी के कैमरा के कारण, कैमरा का इशू है। ठीक है, ये अभी मस्त चल रहा है। तो दिक्कत अगर होता है आप लोगों को कि वर्टिकल बार बार ख़राब हो रहा है, तो ये चीज़ को चेक करें और चेंज करें, तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और जिन लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।